दीपक चौरसिया को गिरफ्तार करने के लिए सोशल मीडिया पर उठ रही मांग, अन्य दो पत्रकारों पर भी भड़के लोग। पत्रकार दीपक चौरसिया को लेकर सोशल मीडिया पर गिरफ्तार किए जाने की मांग उठ रही है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं। यूजर्स दीपक चौरसिया के साथ ही अजित अंजुम और चित्रा त्रिपाठी को लेकर भी भड़क रहे हैं। पूरा मामला अदालत के समन का है। साथ ही चौरसिया को एक वीडियो से छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो एक्ट का दोषी बताया गया है। लोगों का कहना है कि अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद भी दीपक चौरसिया को गुरुग्राम की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। चौरसिया पर गुरुग्राम के पालम विहार में 20 मार्च 2015 को आईटी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद 20 अक्टूबर 2022 को चौरसिया को अदालत से जारी समन के मुताबिक पेश होना था। वेद प्रकाश सोनी नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा, गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं? लोग गुरुग्राम पुलिस से सवाल करते हैं कि फ्रॉड पत्रकार खुले क्यों घूम रहे हैं। अनदेखा सच नाम की ट्विटर हैंडल से लिखा गया, कोर्ट ने 8 पत्रकारों और 3 पुलिस अधिकारियों को तलब किया, जिन्होंने गिरफ्तारी से बचने में उनकी मदद की थी। हमारे सिस्टम की योग्यता और पूर्वाग्रह पर सवाल उठाया जाता है, जहां मीडिया अपराधियों के भंडाफोड़ के बावजूद खुले घूम रहे हैं। ख्याति नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा, कोर्ट का समन मिलने के बाद भी पुलिस दीपक चौरसिया और उनके भ्रष्ट पत्रकारों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सबके सामने आ गया सच, मीडिया के अपराधियों का हुआ पर्दाफाश, जालसाज पत्रकार खुले में क्यों घूम रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2013 में 3 न्यूज चैनलों ने आसाराम बापू से जुड़ी यौन शोषण की रिपोर्ट दिखाई थी। जब रिपोर्ट सामने आई तो आरोप लगे कि एक 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार को अन्य वीडियो के साथ एडिट करके टीवी पर दिखाया गया। इसमें इनको केस से जोड़कर दिखाया गया है। ये आरोप भी लगे कि उस वीडियो में लड़की और अन्य महिलाओं के चेहरों को बिना ब्लर किए दिखाया जा रहा है। 15 दिसंबर 2013 को लड़की के परिवार ने 3 न्यूज चैनलों के खिलाफ वीडियो के आधार पर मुकदमा दायर किया था। साल 2020 और 2021 में कोर्ट चार्ज साइज के हिसाब से कुल 8 लोगों पर जुर्माना लगाया। ये कुछ अन्य लोगों के साथ दीपक चौरसिया को भी घोषित किया गया था। कोर्ट ने दीपक चौरसिया का बेल बॉन्ड रद्द करते हुए उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होने की खबर थी। बहरहाल मामले को लेकर दीपक चौरसिया की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी पर 11 नवंबर को रोक लगा दी। इससे पहले कोर्ट ने चौरसिया को 17 नवंबर तक ट्रायल कोर्ट में पैरवी करने की छूट दी थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर दीपक चौरसिया को लेकर वाई नो अरेस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर वायरल न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके।